स्टूडेंट्स वर्बल एबिलिटी में जो फर्स्ट आपका टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 4 दैट वाज प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का एक छोटा वीडियो पहले आपको सेंड किया हुआ है. सो दिस इज यूज ऑफ प्रीपोजिशंस इन डिटेल. नाउ द फर्स्ट टू प्रीपोजिशंस रिटन हियर आर इन एंड एट. So in is used with the larger extent of time and space, at is used with the smaller extent of time and space. Fine. Very simple and very easy to understand. In जो है ये लगता है larger extent के साथ और at जो है ये लगता है smaller extent के साथ, चाहे वो space हो या time. अब देखिए मैं जम्मू में गांधीनगर में रहता हूँ. अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो गांधीनगर जो है वो जम्मू के मुकाबले में एक छोटी जगह है. सो आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू. एट गांधीनगर, एट क्यों लगा गांधीनगर के साथ, क्योंकि एट जो है वो स्मॉलर एक्सटेंट के साथ. यहाँ पे हमने पहले ही लिखा हुआ है एट इज़ यूज विद द स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखा जाए तो गांधीनगर इज़ अ स्मॉल एरिया इन कंपैरिजन टू जम्मू. सो आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू. सिमिलरली अगर मैं मान लो कोई भी, मैं भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहता हूँ, आई लिव एट भद्रवाह इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, बिकॉज भद्रवाह इज अ स्मॉल टाउन एंड इन कंपैरिजन विद डोडा इट्स स्मॉल इन एरिया. तो एरिया के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से छोटा है डोडा से, तो हम स्मॉलर एक्सटेंट के साथ एट यूज़ करते हैं. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है माई फ्रेंड लिव्स एट गांधीनगर इन जम्मू. एट गांधीनगर इन जम्मू. फाइन. इसके बाद रानी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे. देखो मंथ ऑफ मे, इसके साथ इन लगा हुआ है. ऐसे भी यूजुअली हम मंथ्स के साथ इन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है कि इन जो है वो लार्जर एक्सटेंट ऑफ टाइम के साथ लगता है. तो मंथ ऑफ मे 31, हाँ 30 डेज, कितने डेज होंगे उस मंथ में, कितने वीक्स होंगे, कितने आवर्स होंगे, सो इट इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये एक लंबा सा समय है, इसलिए हम इसमें इन का यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब ये लार्जर एक्सटेंट ऑफ टाइम है, स्मॉलर एक्सटेंट या पर्टिकुलर टाइम नहीं है. सो लार्जर एक्सटेंट के साथ इन, स्मॉलर एक्सटेंट के साथ एट. अब देखिए इस एग्जांपल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जस्ट वेट. ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है शी अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन इन द मॉर्निंग. यहाँ पे देखिए आप एट यूज़ हुआ है रेलवे स्टेशन के लिए और मॉर्निंग के लिए इन यूज़ हुआ है. ज़रा दोनों को एनालाइज करते हैं. तो रेलवे स्टेशन जो है दैट इज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन. अगर किसी को बोलना है तो ईजिली वो वहाँ पहुँच जाएगा, स्पेसिफिक लोकेशन है. फाइन. सो लार्जर एक्सटेंट ऑफ स्पेस नहीं है, स्मॉलर है, स्पेसिफिक. किसी को बताते हो आप मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ तो अंडरस्टैंड हो जाता है एंड इट विल बी ईजियर टू फाइंड आउट कि कहाँ पे है. ठीक है, एक तो स्पेसिफाइड लोकेशन है, स्पेसिफिक है, और दूसरा स्मॉल एक्सटेंट ऑफ टाइम है. और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग, सुबह, इन द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग जो है एक लंबा समय है. फाइन. इट्स नॉट कि हमें पता है 6:03 पे मॉर्निंग है या 6:10 पे है तो एग्जैक्टली वही है. नहीं, 6 भी मॉर्निंग है, 7 भी मॉर्निंग है, 8 भी मॉर्निंग है. ठीक है, नून तक मॉर्निंग चलता है. इट मीन्स इट्स एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज एक्सटेंट. इसके साथ हमने इन यूज़ करना है. अब आते हैं इन टू और इन पे. इन इज़ यूज विद द थिंग्स एट रेस्ट, इन टू इज़ यूज विद द थिंग्स इन मोशन. अब देखिए एक डॉग है केज में रखा हुआ है तो इन, बिकॉज रेस्ट है, केज में है तो रेस्ट में. जंप किया वेल के अंदर, कुएं के अंदर, तो इन टू लग गया. ठीक है, इट मीन्स कि जब चीज़ें रेस्ट में हो और किसी चीज़ के अंदर है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ समथिंग है. ठीक है, तो इन. और अगर किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट करके जा रही हैं लेकिन वो भी विद इन द बाउंड्रीज ही होने चाहिए, जैसे कुआं है तो कुआं चारों तरफ से बंद, मतलब उसके अंदर जा रहा है. फाइन. तो अंदर का मतलब है कि रेस्ट में इन और मोशन में इन टू, ये डिफरेंस रहेगा. नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन. बेटा ऑन इज यूज विद द थिंग्स एट रेस्ट बट इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्फेस, ऑन. फाइन. अपॉन इज यूज विद द थिंग्स शोइंग चेंज ऑफ पोजिशन स्टेट बट इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्फेस. इसे समझिए. देखिए ऑन कहाँ यूज़ होता है बेटा, एक तो चीज़ रेस्ट में होनी चाहिए. इसमें दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो चीज़ रेस्ट में होनी चाहिए, दूसरा इन कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस होनी चाहिए.
जब एक बुक को आप टेबल पे रखते हैं तो उसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर है, मतलब कॉन्टैक्ट में है सरफेस के, सरफेस के कॉन्टैक्ट में, मतलब उसके ऊपर है, एक तो रेस्ट में और ऊपर से कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में, तो ऑन आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ मूवमेंट शो करती है, चेंज ऑफ स्टेट शो करती है, ठीक है, पोजीशन शो करती है, चेंज इन पोजीशन शो करती है, लेकिन वो भी किसी चीज़ के अंदर नहीं, किसी चीज़ के ऊपर ही, तो अपॉन आता है। देखिए फ़र्क क्या है, माई बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, बुक है टेबल के ऊपर है, रेस्ट में है और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है, ऑन आ गया। द कैट जम्प्ड अपॉन द बैक ऑफ कप, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर अपॉन यूज़ किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि कैट ने जंप किया हुआ है, पोजीशन चेंज की हुई है, रेस्ट से मोशन में गया है, और साथ में दूसरी चीज़ बैक ऑफ द काउ पे, यानी कि किसी चीज़ के अंदर नहीं, किसी चीज़ की सरफेस पे गया है। देखो पहले वेल में गया था तो इनटू लगा, अब सरफेस पे जा रहा है, बैक ऑफ काउ में तो अपॉन लगा। नेक्स्ट एमंग और बिटवीन, देखिए एमंग लगता है जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो उनके बीच में। Among is used when something is in or with a group of a few, several or many things. ठीक है, few, several या many, लेकिन not two. अब सीधा याद रखिए आप, दो के साथ between और दो से ज़्यादा होंगे तो among. Two हैं तो between, दो से ज़्यादा हैं तो among. So there was a quarrel between Ram and Shyam. अगर दो लोगों के बीच में है तो between. बट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन, नहीं एमंग द बॉयज इन द क्लास, ये डिफरेंस, ठीक है, एमंग बॉयज, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं सामने आपके, देयर वॉज अ क्वारल एमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन राम एंड श्याम, फाइन, तो दो के साथ बिटवीन, दो से ज़्यादा एमंग, बाई एंड विद, नेक्स्ट बाई और विद, देखिए बाई लगता है डूअर के साथ, डूअर होता है करने वाला, यानी कि जो एक एक्शन को अंजाम देता है करता है। विद लगता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज़ को करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, पेन इंस्ट्रूमेंट है, मैं वॉल्स पेंट कर रहा हूँ, ब्रश इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डूअर मैं खुद हूँ। जैसे दिस ऐसे इज रिटन बाई बाई अ स्टूडेंट विद बॉल पेन, बाई अ स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ बाई अ स्टूडेंट, ठीक है, विद बॉल पेन। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे बाई लगा किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, क्योंकि करने वाला स्टूडेंट है, यानी कि लिखने वाला स्टूडेंट है, तो डूअर आ गया, तो डूअर के साथ क्या लगेगा, बाई लगेगा, और जिस चीज़ से लिखा वो पेन है, तो पेन आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट, पेन आ गया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगता है, याद रखिए, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, बाई इज यूज्ड विद डूअर और विद लगता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये डिफरेंस रहेगा आपका डूअर और इंस्ट्रूमेंट, बाई इज यूज्ड विद डूअर, विद इज यूज्ड विद इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जाम्पल, दीज वॉल्स, दीज वॉल्स आर पेंटेड बाई मी विद डिफरेंट कलर्स, पेंटेड बाई मी, आप देखिए मी के साथ बाई लगा हुआ है, क्योंकि मैं ही डूअर हूँ, मी लिखा हुआ है आगे, तो ये डूअर आ गया, डूअर के साथ बाई, डूअर के साथ बाई, और विद लगा किसके साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, फाइन। तो कलर्स जो है ये इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट है। दिस एसे इज रिटन बाय राजू विद अ बॉल पेन, अब देखिए राजू के पीछे बाय है, बॉल पेन के पीछे विद है, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगा हुआ है और डूअर के साथ बाय लगा हुआ है, फाइन। तो ये डिफरेंस रहेगा आपका। नेक्स्ट टू, टू इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इन माइंड, अब कहीं जा रहे हैं स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली मेरी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है माइंड में, तो टू यूज़ होगा, आई एम गोइंग टू
डेली। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ खुद यूज़ नहीं होती, उसके पीछे एक रीज़न है। तो रीज़न टू यूज़ करने का ये है कि टू यूज़ होता है स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस के साथ। जब आपके माइंड में स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस हैं, यू आर गोइंग समवेयर, तो टू। अब ये टू इसलिए यहाँ पे पढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे टू के साथ टू वर्ड्स है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये डिफरेंस है टू और टू वर्ड्स का कि टू लगता है जब एक डेस्टिनेशन है माइंड में, और टू वर्ड्स लगता है जब एक डायरेक्शन की बात की जा रही है किसी चीज़ की ओर। टूवर्ड्स, मैं बैठा हूँ, मेरी तरफ एक बच्चा छोटा दौड़ के आ रहा है, तो मैं कभी नहीं लिखूँगा द चाइल्ड इज़ रनिंग टू मी। अब लिखना पड़ेगा टू वर्ड्स क्योंकि वो मेरी डायरेक्शन में आ रहा है। फाइन, टू वर्ड्स मी। तो जब डायरेक्शन ऑफ समथिंग की बात होती है तो टू वर्ड्स लगता है, जब डेस्टिनेशन की बात होती है तो टू लगता है। देखो, द चाइल्ड केम रनिंग टू वर्ड्स मी, तो टू वर्ड्स कहाँ लगता है? जिस वक्त डायरेक्शन की बात हो, नॉट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस इज यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू अनदर। द रैबिट रैन अक्रॉस द फील्ड, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए या क्रॉस करने के लिए या उसकी बात करने के लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए स्विमर है, उस दरिया में छलांग लगाता है और दूसरे एंड पे निकलता है, तो एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है। ठीक है, सो ही वेंट अक्रॉस द रिवर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अक्रॉस द रोड भी होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अक्रॉस द फील्ड भी होता है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो अक्रॉस वहाँ लगता है जहाँ पे मूवमेंट शो होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। फाइन, वहाँ पे अक्रॉस ही लगता है। अब है अलोंग। नेक्स्ट इज अलोंग। अलोंग इज यूज्ड टू शो मूवमेंट इन अ लाइन। फाइन, फॉर एग्जाम्पल ही केम वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर। देखिए, अलॉन्ग जो है एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट इन अ लाइन मतलब आप स्ट्रेट जा रहे हैं, एक ही लाइन में, एक ही दिशा में जा रहे हैं। आप दरिया के किनारे जा रहे हैं, इट इज़ अलॉन्ग। आप रोड के किनारे जा रहे हैं, यानी कि रोड के साथ साथ चल रहे हैं, इट इज़ अलॉन्ग द रोड। ठीक है, साथ साथ चलना अलॉन्ग। अलॉन्ग होता है मूवमेंट इन अ लाइन। ठीक है, ही केम वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर। अलॉन्ग द रिवर मतलब दरिया के साथ साथ, दरिया के किनारे आगे चलता गया, उसको अलॉन्ग कहते हैं। बाई, बाई इज यूज टू शो नियर और एट द साइड ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी गई है बड़ी बार एग्जाम में, ख्याल रखिए इसको। जैसे मैंने अपना टेलीफोन जो है खिड़की के पास रखा हुआ है, अब मैं ज़रूरी नहीं है नियर यूज़ करूँ। अब किसी ने कॉल की, मैं बोलूँगा माई फोन इज रिंगिंग बाय द विंडो, बाय द कुशन, बाय द टेबल। बाय का मतलब साथ में, नियर। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग बाय मी का मतलब भी होता है, वो मेरे साथ में खड़ा है। बाय मीन्स साथ में। ठीक है, सो बाय जो है इसकी मीनिंग होती है नियर और बाय द एट द साइड ऑफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नियर और एट द साइड ऑफ। सो द टेलीफोन इज रिंगिंग बाय द विंडो का मतलब है उसके साथ में, नियर है, साइड ऑफ है। द पेन इज लाइंग बाय द नोटबुक, इसका मतलब उसके साथ साथ में है। सो बाय इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिंस और फॉर, ठीक है, बहुत बार यूज़ करते हैं आप इस इन प्रपोजिशंस को। सिंस और फॉर ये ज़्यादा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। पीरियड, पीरियड जब आया तो मतलब एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मतलब है कि काफ़ी सारा समय इसके अंदर है, स्ट्रेच्ड है, स्पेसिफिक नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम, वो दो घंटे से काम कर रहा है, फॉर टू आवर्स, तो दो घंटे पीरियड ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा 9 बजे 10 बजे, मैंने कहा 2 घंटे। इसमें कितने मिनट्स आ गए, ठीक है, इतने इसमें कितने सेकंड्स आ गए, और ये भी नहीं है स्पेसिफिक कि कौन सा टाइम है। तो इसको कहते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है, तो जब हम वो ड्यूरेशन मेजर करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट लास्ट,
कि कब तक चीज़ चली या कब तक जब हमारे माइंड में आता है तो फॉर यूज़ करते हैं, कब तक, दो घंटे तक, फॉर टू आवर्स, फॉर वन मिनट, ठीक है, वो मुझे कब तक कॉल करता रहा, वो मुझे दो घंटे तक कॉल करता रहा, ठीक है, मैं उसका कब तक इंतज़ार करता रहा, मैं उसका दो साल तक इंतज़ार करता रहा, फॉर टू आवर्स, तो कब तक जहाँ माइंड में आता है तो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है फॉर, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब हो गया कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी पास्ट में लेकिन अभी कॉन्टीन्यूटी में है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। सिंस का मीनिंग ही यही है। जैसे मान लो मैंने 10 साल पहले कोई काम शुरू किया था, अभी भी उस चीज़ को कर रहा हूँ, या मैंने परसों कोई असाइनमेंट शुरू किया, अभी भी उसको कर रहा हूँ, सिंस आएगा, ठीक है। आई हैव बीन डूइंग माई असाइनमेंट सिंस वेडनेसडे या सिंस मंडे, ठीक है, मैंने सुबह से कोई काम शुरू किया, अभी भी कर रहा हूँ, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, सो आई हैव बीन मेकिंग द वीडियोज सिंस मॉर्निंग, फाइन। तो सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज होता है, फॉर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो, दे हैव बीन वर्किंग इन द कंपनीज सिंस 2010, वो कंपनीज में 2010 से काम कर रहे हैं, सिंस 2010। अब देखिए 2010 के साथ यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, क्यों, बिकॉज 2010 जो है एक तो ये स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, फाइन, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये दिखा रहा है कि दैट समथिंग हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा। और दूसरी एग्जांपल में देखिए आप, माई फ्रेंड हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 2 आवर्स, अब ये वाला आप एग्जांपल देखिए, फॉर 2 आवर्स, अब देखिए 2 आवर्स के पीछे फॉर लगा हुआ है, रीज़न क्या है, 2 आवर्स जो है ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है टाइम का, यानी कि इट इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 2 आवर्स जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।